प्रदेश में नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में राशन स्टॉक की उपलब्धता नहीं होने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था। तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध राशन सामग्री के अंतिम स्टॉक के सत्यापन के संबंध में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें अंतिम स्टॉक का निर्धारण करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीबों को 3 महीने पहले से ही राशन उपलब्ध कराया गया, जिसकी वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इस बार निदान के लिए सभी जिले के खाद्य कलेक्टरों को निर्देशित किया जा चुका है और नवंबर महीने में लोगों को राशन के संबंध में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी शासकीय उचित मूल्य के दुकान में भंडारण करा दिया गया है। पीडीएस में 2017 से किसी महीना में 20 किलो, किसी महीना में 5 किलो, किसी महीना में 7 किलो ऐसे करके स्टॉक बचते गया और ये लोग वेरिफिकेशन उसको नहीं किए। और अभी जब कई दुकानों में उसके वितरक बदले गए और उसको पता नहीं है कि वो कितना स्टॉक में वो दस्तखत किया है, अब जब उसको चार्ज मिला उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो लाइबिलिटीज जिसके पीरियड का है उसके ऊपर जाएगा। और एकाएक नया व्यक्ति को अगर संचालन मिला है और पिछला देनदारी भी उसके ऊपर डाल दिया जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि इसका वेरिफिकेशन करें, किसकी लाइबिलिटीज है, किसकी जवाबदारी है, उसके उसको पूरा कराया जाए। और तब तक के लिए